चल रही भाई, बीच बीच में तक नहीं चल रहा कोई। पानी जहाज से आते हैं और बॉम्बे वगैरह से लेके आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, विदेशी माल है आता है, चाइना से या ट्रेन से आता है, ट्रेन से उतर के फिर ये चलाते हैं। वो साइड भी लगा रखा है बताइए, जो खाली होता है वहाँ से लोड होता है वह चले जाते हैं, अगर जो भरे हुए हैं ये माल माल गाड़ी में ला देंगे और ये जाएंगे फिर वहीं कलकत्ता, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जहाँ से कलकत्ता पालम इधर मुंबई से। धंधा तो चला ही रहे पुलिस वाले, शुरू किए जब भी खुल रहा है बड़ी मारते हैं, सोते सोते मारते हैं, जगाते हैं फिर जाम करते हैं, निकलवा तो रहे धीरे धीरे अखबार है तो किसको आ दिए जब भी चालू हो। बाप रे कंटेनर यहाँ कितना है, उधर का तो रास्ता ही बंद कर देते हैं, उधर से आने वाले उधर का और हालत है, डबल लाइन रॉन्ग साइड आ जाते हैं। चार चार कंटेनर एक दूसरे के ऊपर रखे हमने देखे, इतना बड़ा जहाज होता है। हाँ हाँ, 40-40 कंटेनर एक जहाज में, 40-50 अभी तो जहाज डूबता है तो बहुत नुकसान होता है। अभी यहाँ से सब विदेश में जाने वाला सामान जाता है, जो इधर से कंटेनर जाते हैं उधर से जो आते हैं विदेश। हमारे कंपनी का मतलब हफ्ता में 3 कंटेनर जाता है विदेश, जर्मनी और इधर 160 कंट्री में। ट्रैकिंग वाले आए उधर का भी तो पाइप है ना, उधर से भी चल रहा है। हम सही टाइम से आए कि खुल गया, खुल गया, पहले से जाम हो गए धीरे धीरे, तो वहाँ पहले से रहा होगा। पुलिस आई तो खुल गया है, आराम ही ना सकते, जर्सी होते हैं। अब तीन तीन लाइन में कंटेनर चला रहे हैं, घर आए तीन तीन लाइन में था, कहीं एक लाइन होते एक लाइन में चलो। आज तो कंटेनर का सही बन गया रिकॉर्डिंग का भैया, कंटेनर का जाम बना हुआ है। ये सब पीछे खड़े होंगे, इनको भगाया है तब भाग रहे, अब जगह ढूंढ रहे कहाँ जगह मिले।
पे ही गिर रहे हैं। इधर एक ही है खड़ा कर दिए। हाँ जगह बना रहा ना, जहाँ भी जगह मिलेगा घुसेगा। इधर राइट वाला खड़ा कर दिया। बाप रे बड़ी भीषण मतलब समस्या है ये। मतलब हफ्ता में दो दिन तो होता ही है। ठीक से एक तरफ का रोड बंद है, पुलिस इतना भरी पड़ी है तब ये हाल है। हर चौक पर पुलिस वाले खड़े हैं जब ये हाल है। ऐसे मटर गस्ती करते रहते हैं। हम तो सही है।